Dear students, assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 15, with upon unit 5, exponents, exercise 5. Exercise 7 है हमारे पास, exercise 5 का question number 7 है हमारे पास. Question number 7 में simplify the following. Simplify the following में क्या है? हमारे पास 2 raised power 3, 2 raised power 5, bracket close, divided by 2 raised power 8 हमारे पास आ रहा है. अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर देखना है हमारे पास लॉज कौन से लेते हैं. हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात की थी, तो हमारे पास सबसे पहले जो ब्रैकेट में सॉल्व करना है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ क्या है हमारे पास, आपको पता होगा, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एम प्लस एन. यानी कि दोनों बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है. 2 रेज पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 प्लस 5. क्या आंसर आ जाएगा? 2 रेज पावर 8. अगर ब्रैकेट सॉल्व करें तो क्या होगा, हमारे पास 2 रेज पावर 8 आ गया. अब हमारे पास सेकंड कार्ड क्या है, हमने इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2 रेज पावर 8 डिवाइडिंग बाय 2 रेज पावर 8. ये ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, 2 रेज पावर 8 आ गया. उसके बाद जो हमारे पास दूसरी तरीके क्या चीज, 2 रेज पावर, अब अगर आप देखें बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास क्या इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन लॉ इस्तेमाल करेंगे. वो क्या था हमारे पास, बेसिस सेम हो, डिवाइड का साइन हो, तो क्या होता है जी, एक्स पावर एम डिवाइडिंग बाय एक्स पावर एन इक्वल टू एक्स पावर एम माइनस एन. हमने क्या करना होता है, पावर्स को माइनस कर देना है जब हमारे पास क्या हो, डिवाइड हो सेम बेसिस के ऊपर. तो क्या करेंगे जी, 2 पावर 8 डिवाइडिंग बाय 2 पावर 8 इज इक्वल टू एक्स पावर सॉरी 2 पावर 8 माइनस 8. क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पावर 0 हमारे पास आ गया. अब यहां पर हमारे पास अगर मैं 0 एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करूं, 0 एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक क्या होगा जी, 0 लॉ ऑफ 0 एक्सपोनेंट क्या होगा हमारे पास, एक्स पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है. एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा, एक्स पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है. तो 2 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 रेज पावर 0 इक्वल टू 1, यही हमारे पास इसका आंसर होगा. जी तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमारे पास है, बिल्कुल उसी तरह सेम पैटर्न के ऊपर जो भी हमने सॉल्व किया, 7 का पार्ट 2 हमारे पास 1 बाय 3 पावर 5 डिवाइडिंग बाय 1 बाय 3 पावर 4 डिवाइडिंग बाय 1 बाय 3, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका पावर 1 होगी. अब हम सॉल्व करते हैं इन दोनों को. अब देखिए डिवाइडिंग यहां पे डिवाइडिंग बाय बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ इस्तेमाल करेंगे. क्या है जी, डिवाइड होते क्या होता है, पावर एक्स पावर एम डिवाइडिंग बाय एक्स पावर एन एक्स पावर एम माइनस एन. दोनों दफा यही लॉ लगेगा क्योंकि दोनों पर डिवाइडिंग है. पहले इन दोनों पे लगाते हैं, क्या होगा, 1 बाय 3 पावर 5 डिवाइडिंग बाय 1 बाय 3 पावर 4 इज इक्वल टू एक्स सॉरी 1 बाय 3 पावर 5 माइनस 4. क्या आ जाएगा, 1 बाय 3 की पावर 1 आ जाएगा. अगर मैं सेकंड टाइम भी लगा दूं उसको, 1 बाय 3 पावर 1 डिवाइडिंग बाय 1 बाय 3 पावर 1, तो 1 बाय 3 की पावर, वही क्वेश्चन लॉ दोबारा अप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस 1 कर देंगे, इसको डिवाइड हो रहे दोनों पे, इसलिए 1 बाय 3 पावर 0 आ जाएगा. और 0 एक्सपोनेंट लॉ बता दें, एनीथिंग एक्स पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक्स पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है. 0 एक्सपोनेंट लॉ लगा देते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा. इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 1 आ जाएगा. जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 हमारे पास है, माइनस 3 बाय 4 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 बाय 4 की पावर 2 एंड डिवाइडिंग बाय 3 बाय पावर 4 पावर 2 की पावर 3, पावर की पावर आ गई हमारे पास. अब हमारे पास दो लॉज में लगेंगे, पहले इसमें एक लॉ लगेगा, इसको कम प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ क्या हमारे पास, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट लॉ और यहां पे लगेगा पावर लॉ. अब दो लॉज इस्तेमाल होगा, एक्स पावर एम पावर एन, तो एक्स पावर एम एन होता है एक चीज. दूसरा यहां पे प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, एक्स पावर एम मल्टीप्लाई एक्स पावर एन एक्स पावर एम प्लस एन होता है. अब
ये दोनों लॉज के ऊपर एक साथ अप्लाई करते हैं। कैसे? देखें दोनों को, ये प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का, तो इसमें क्या होगा, माइनस थ्री पावर यहाँ देगा फोर मल्टीप्लाई माइनस थ्री पावर फोर की पावर टू इज इक्वल टू एक्स, थ्री माइनस थ्री पावर बाई फोर पावर क्या आ जाएगा हमारे पास एम प्लस एन फोर प्लस टू, ये लग गया हमारे पास लॉ। तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री बाई फोर पावर क्या आ जाएगी सिक्स आ जाएगी। यहाँ पे लगे दूसरा लॉ लगा देते हैं, यहाँ पे डिवाइडिंग का साइन आएगा, दूसरा लॉ लगेगा एक्स पावर एम दो इसको डिवाइड करते हैं, इसको ये इस पर लगाए एक्स पावर थ्री पावर टू, तो इसके ऊपर लॉ अप्लाई होगा थ्री सॉरी थ्री बाय एक्स यहाँ थ्री बाय फोर यहाँ पे भी थ्री बाय फोर पावर थ्री मल्टी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री ये आ जाएगा। अब पावर लॉ के मुताबिक थ्री बाय फोर पावर की पावर को मल्टीप्लाई होती है, ये भी सिक्स आ गया। अब आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे जब इवन पावर आ जाती है तो अंदर नेगेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ये थ्री बाय फोर है वो थ्री बाय फोर है, बीच में डिवाइड का साइन है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे होगा, थ्री थ्री ओवर फोर पावर सिक्स, थ्री बाय फोर पावर सिक्स। अब पावर जो है वो आपकी इवन नंबर आ गई है इसलिए माइनस थ्री बाई फोर को हम प्लस थ्री बाय फोर कर सकते हैं, इसको डिवाइडिंग बाई थ्री बाय फोर पावर सिक्स आ गया। अब दोनों की डिवाइडिंग का अब क्या लगेगा, क्वेश्चन ला लगाएंगे वो क्या हमारे पास x पावर m डिवाइडिंग बाय x पावर n इज इक्वल टू x पावर m माइनस n, क्या हो जाएगा जी क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर पावर सिक्स डिवाइडिंग बाय थ्री बाय फोर पावर सिक्स इज इक्वल टू x थ्री बाय फोर सिक्स माइनस सिक्स आ जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास थ्री बाय फोर पावर सिक्स माइनस सिक्स पावर आ जाएगी, तो हमारे पास जीरो आ जाएगा और जीरो एक्सपोनेंट लॉग लगाएंगे, अगर हमारे जीरो एक्सपोनेंट लॉग होगा तो एक्स पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास वन आंसर आ जाएगा। जी तो शॉर्ट एक्सरसाइज फाइव का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फिलिंग दी ब्लैंक्स, हमने क्या करना है इसको ब्लैंक को फिल करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो ब्लैंक में फिल करना है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन है उसका पार्ट वन है, क्वेश्चन 8 का पार्ट वन, टू रेस पावर माइनस वन इंटू थ्री रेस पावर माइनस वन होल स्क्वायर इंटू माइनस थ्री ओवर एट का पावर जो है वो हमारे पास माइनस वन आ गया। अब मैंने क्या किया टू रेस पावर माइनस वन को हम लिख सकते हैं इसको, अगर रेसिप्रोकल लूं उसको मैं प्लस करना चाहूँ तो वन बाय टू, इसको वन बाय टू कर दिया। थ्री रेस पावर माइनस वन को भी पॉजिटिव करना है तो वन बाय थ्री कर दिया मैंने। रेसिप्रोकल क्या है अभी पास टू रेस पावर माइनस वन है इसके हमने क्या किया इसको वन बाय टू हम लिख सकते हैं, टू रेस थ्री रेस पावर माइनस वन है इसको हम वन बाय थ्री लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव पावर के साथ आ गई प्लस वन की पावर आ जाती है, इनकी पावर प्लस कर दी मैंने। अच्छा इसको मैंने नेगेटिव को खत्म किया प्लस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस वन की पावर इसको मैंने एट बाय थ्री यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, तो एट बाय थ्री की पावर वन आ जाएगा। माइनस वन पावर थी इसका रेसिप्रोकल लिया एट बाय माइनस थ्री पावर वन पॉजिटिव होगी पावर, इसका रेसिप्रोकल मतलब वैल्यूज को उलट दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया वन वन सर वन थ्री टू सर सिक्स वन बाय सिक्स पावर टू आ गया, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई का साइन था मल्टीप्लाई कर दिया वन बाय सिक्स पावर टू आ गया एट बाय थ्री एज इट इज हमने कर लिया। वन ओवर सिक्स का स्क्वेयर लिया तो वन का स्क्वेयर वन आने का सिक्स का स्क्वेयर थर्टी सिक्स, वन ओवर थर्टी सिक्स आ गया, वन ओवर थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय एट बाय माइनस थ्री आ जाएगा। अगर आप कटिंग करना चाहें देखिए फोर के टेबल में फोर टू जर एट फोर नाइन जर थर्टी सिक्स और इसके बाद कटिंग नहीं होती हमारे पास, टू वन जर टू आता है और थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन, यहाँ भी करके देख लेता हूँ टू वन जर टू आता है और थ्री नाइन जर माइनस ट्वेंटी सेवन, यही आपका आंसर है इसका कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है टू बाय माइनस ट्वेंटी सेवन हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है फिलिंग दी ब्लैंक्स में, हमने कहा 4 रेस पावर माइनस 1 3 रेस पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 रेस पावर माइनस 1, बिल्कुल उसी तरह मैंने इनकी वैल्यूज को पहले पॉजिटिव करना है, पहले मैं क्या करूंगा वन ओवर फोर पावर इसकी वन हो जाएगी मल्टीप्लाई वन बाय थ्री इनकी पावर क्या आ जाएगी वन वन पावर आ जाएगी डिवाइडिंग बाय इसकी पावर को पॉजिटिव कर लेता हूँ वन बाय ट्वेल्व कर लेता हूँ, रेसिप्रोकल को ले लिया नेगेटिव पावर को मैंने पॉजिटिव में चेंज कर लिया। उसके बाद वन बाय थ्री और वन बाय फोर के आपस में मल्टीप्लाई हो गए वन बाय ट्वेल्व रेस पावर वन आ जाएगा हमारे पास डिवाइडिंग बाय वन बाय ट्वेल्व रेस पावर इसकी वन थी इसकी पॉजिटिव हो गई थी वन हो गई। अभी आप देखिए डिवाइड हो रहे हैं दोनों तो हमारे पास क्या लगेगा क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे बेसिस सेम पावर इज
सब्ट्रैक्ट डिवाइड का साइन है इसलिए 1 बाय 12 को 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय 12 की पावर क्या आ जाएगी 0 और 0 एक्सपर ना लगाए तो हमारे पास का आंसर क्या आ जाता है 1 इसकी ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा 1 माइनस 1 0 एनीथिंग एज पावर 0 मैंने कहा 0 एक्सपर ना x पावर 0 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास x पावर 0 इक्वल टू 1 होता है 0 एक्सपर ना आपने पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक 1 बाय 12 की पावर 0 एनीथिंग एज पावर 0 इक्वल टू 1 होता है इसलिए इसका आंसर 1 आएगा जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 हमारे पास 2 रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर -7 अब हमारे पास देखिए डिवाइडिंग क्वेश्चन लॉ अप्लाई हो रहा है दोनों तरफ अब क्वेश्चन लॉ क्या है हमारे पास कि x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n इक्वल टू x पावर m -n कर देते हैं हम यहां पे क्वेश्चन लॉ अप्लाई करते हैं क्या है 2 रेज पावर 5 है डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 8 है इक्वल टू 2 रेज पावर 5 माइनस 8 कर देते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास 2 रेज पावर माइनस 3 आ जाएगा और 2 रेज पावर 3 जब हमारे पास आ गया इसमें इसी के साथ हम अगर आप करें डिवाइडिंग बाय 2 रेज पावर माइनस 7 है नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है डिवाइडिंग बाय 2 रेज पावर माइनस 7 इसको आगे सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन लॉ अप्लाई करते हैं 2 रेज पावर माइनस 3 डिवाइडिंग बाय 2 रेज पावर माइनस 7 अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए फिर क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे फिर हमारे पास वही क्वेश्चन लॉ फिर क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे वो क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन लॉ फिर वही 2 रेज पावर माइनस 3 डिवाइडिंग बाय 2 रेज पावर माइनस 7 दोनों को माइनस करेंगे एक्स पावर एम माइनस एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एम माइनस एन इनकी पावर को माइनस करेंगे आपस में 2 रेज पावर माइनस 3 डिवाइडिंग बाय 2 रेज पावर माइनस 7 2 रेज पावर माइनस 3 माइनस माइनस 7 तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज पावर माइनस 3 प्लस 7 2 रेज पावर 4 जो ब्रैकेट में आएगा 2 रेज पावर 4 या 16 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा 2 रेज पावर 4 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आता है 16 तो ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास 16 इज द आंसर ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16 जी तो स्टूडेंट हमारे पास लेक्चर 15 का जो होमवर्क है वो क्या है हमारे पास होमवर्क है क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 के ऑल पार्ट्स आपने सारे पार्ट्स उसके ऑल पार्ट्स दोनों क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7 के भी और क्वेश्चन नंबर 8 के आपने सॉल्व करने अपनी नोटबुक के ऊपर यही आपका होम टास्क है